हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 3 न्यू ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 से इसको करने के लिए आपको यहाँ पर आना है बॉक्सिंग रिंग के पास। फिर आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड को इस तरीके से बिठाना है, फिर उसकी ओर इस तरीके से रन करते करते यहाँ पर स्केटबोर्ड यूज़ करना है। उसके बाद वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको खुद ज्वाइन होना है बॉक्सिंग रिंग में। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो भी यहाँ पर रन करते करते स्केटबोर्ड यूज़ करे। और उसके बाद आप यहाँ पे बाहर चले जाओगे। उसके बाद आपको जाना है एयरशिप के ऊपर। और जो ट्रिक हमने अभी रिंग के पास की वो आपको पहले ही पता होगी, वो हमने ऑलरेडी बहुत बार की हुई है। कल के वीडियो में भी हमने वो ट्रिक की थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल भी हमने वो ट्रिक यूज़ की थी, तो वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एयरशिप से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आना है शॉप के पास, और फिर आपको यहाँ पर क्राफ्ट टूल बाय कर लेना है। और क्राफ्ट टूल बाय करने के बाद आपको यहाँ पर आना है इस हाउस के पास। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से एक क्राफ्ट टूल सेट करना है। नॉर्मली आप यहाँ पर क्राफ्ट टूल सेट नहीं कर पाओगे, आपको क्राफ्ट टूल पे टैप करना है लेफ्ट में, फिर जल्दी से फायर बटन पे टैप कर देना है। मैं आपको फिर से बता दूँ आपको यहाँ पर क्राफ्ट टूल कैसे सेट करना है। आपको क्राफ्ट टूल को हाथ में रखना है, फिर आपको जल्दी से फायर बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्राफ्ट टूल सेट कर पाओगे। फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पर इस तरीके से रन करते करते स्केट बोर्ड यूज़ करे। और उसके बाद आप यहाँ पर अंदर चले जाओगे। यहाँ पर आपको पहले जॉस्ट को आगे की ओर रखना है, फिर आपको यहाँ पर स्केट बोर्ड यूज़ करना है। और जॉस्ट को इस तरीके से रखने के बाद ही आपको यहाँ पर स्केट बोर्ड यूज़ करना है, नहीं तो आप बाहर चले जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इस साइड में, फिर आपको यहाँ से चले जाना है ग्रेनेड रेंज में। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे आना है ब्लू जोन में, और ये जो यहाँ पे ब्लू सा बॉक्स बना हुआ है आपको यहीं पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली टैप करना है ग्रेनेड रेंज पे, और इस पर टैप करने के बाद फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो वहाँ पर रिंग में ज्वाइन कर ले। और ग्रेनेड हाथ में लेने के बाद आपको जल्दी से अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो रिंग के अंदर ज्वाइन कर ले। और जैसे वो वहाँ पर ज्वाइन करेगा आप यहाँ से गायब हो जाओगे, खुद ही वापस आ जाओगे रिंग में। और रिंग में आने के बाद अभी आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो रिंग से बाहर चला जाए। और जैसे वो बाहर निकलेगा आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा एग्जिट, आपको इसी पे टैप कर देना है। और फिर आपके पास अनलिमिटेड ग्रेनेड हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और आप चाहो तो इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, सोशल रूम में भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो कंबार्ड रूम में भी ईजिली यूज़ कर सकते हो। और कंबार्ड रूम में जाने के लिए आपको सिंपली ऊपर टैप करना है एग्जिट पर, चले जाना है टारगेट रेंज में। इसके बाद आपको जाना है कंबार्ड रूम में, और यहाँ पर भी आप ईजिली इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप देख ही सकते हो। बट इस ट्रिक का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आप इनसे किसी को भी किल नहीं कर सकते, ना ही आप एनिमी को किल कर सकते हो, ना ही खुद को इनसे डैमेज दे सकते हो। बट आप फिर भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, उनको सरप्राइज करने के लिए, बाकी इसे किसी को भी डैमेज नहीं पड़ेगा। और अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको जाना है ऑब्जर्वेटरी में, और ये वाली हमारी ट्रिक होने वाली है बरमडा रिमास्टर में। बरमडा रिमास्टर में आपको आना है ऑब्जर्वेटरी में इस पेड़ के पास। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से पहले एक ग्लू वॉल सेट करना है, और एक ग्लोअल इस तरीके से सेट करने के बाद आपको दूसरा ग्लोअल इस तरीके से सेट करना है, और तीसरा ग्लोअल आपको थोड़ा सा ध्यान से सेट करना है, ये पेड़ को टच करना चाहिए तीसरा ग्लोअल। और तीसरा ग्लोअल इस तरीके से सेट करना है आपको ताकि वो पेड़ को टच कर पाए, फिर आप इजीली इस ट्रिक को यूज़ कर पाओगे। और तीन ग्लोअल सेट करने के बाद आपको सिंपली चढ़ना है ग्लोअल के ऊपर, फिर आपको आ जाना है पेड़ के पास। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरीके से इसको खोलना है, फिर आप जॉस्टिक को राइट की ओर इस तरीके से धीरे धीरे मूव करना है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर पेड़ पर फंस जाओ, फिर आपको यहाँ पर ग्लोअल को तोड़ देना है। और ग्लोअल को तोड़ने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से हाइड हो जाओगे। यहाँ पे आप इजीली कैंप कर सकते हो, अपने रैंक को पुश कर सकते हो। और अगर नीचे से एनिमी आएगा भी तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएगा, आप यहाँ पे अच्छे से हाइड हो जाओगे। बाकी ऑब्जर्वेटरी ज़्यादातर जोन में नहीं आता, फिर भी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स के लिए आप यहाँ पर ईजिली कैंप कर सकते हो। और अगर यहाँ से एनिमी आता भी है तो आप उसको ईजिली किल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हाइट का भी एडवांटेज मिलेगा, और एनिमी को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ से मार रहा है, तो आप ईजिली यहाँ पर एनिमी को भी किल कर सकते हो अगर यहाँ से एनिमी आता है तो। और आप यहाँ पे कैंप भी कर सकते हो, अपने रैंक को पुश कर सकते हो। और जब आप यहाँ से नीचे गिरोगे तो आपको यहाँ पे कितना डैमेज पड़ेगा आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, और आपको इससे ज़्यादा ही हेल्थ रखना है, नहीं तो आप यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हो। और अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर, आज की मेन ट्रिक की ओर, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा वॉल हैक ट्रिक। और पहले मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर ट्रिक को यूज़ किया है, और आप अच्छे से यहाँ पर देख ही सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। और मेरा फ्रेंड यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वो पत्थर के बीच में से निकल रहा है, पेड़ के बीच में से निकल रहा है, जो भी सामने आए उसके बीच में से निकल रहा है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ इस ट्रिक को कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी गाड़ी के पास, यहाँ पे आपको स्केटबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपको ड्राइवर स्केटबोर्ड पे एक साथ टैप कर देना है, और एक साथ टैप करने के बाद आपको जल्दी से गेम को 1-2 सेकंड के लिए मिनिमाइज़ कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए यहाँ पर गेम को मिनिमाइज़ किया, और आपको यहाँ पर एक एनिमेशन भी दिखेगा थोड़ा सा स्केटबोर्ड यूज करने का जब आप गाड़ी में घुस रहे होंगे। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर गेम खोलोगे आपको यहाँ पर इस तरीके से भी दिखेगा। और फिर आपको जाना है सेटिंग में, कंट्रोल्स में, यहाँ पे आपको व्हीकल को वन हैंडेड कर देना है, व्हीकल कंट्रोल्स को वन हैंडेड कर देना है। और इससे होगा ये, आप फिर जॉयस्टिक से ही गाड़ी को मूव कर पाओगे, और उसको लेफ्ट राइट भी घुमा पाओगे।
और आपका कैरेक्टर बाहर ही रहेगा। आप गाड़ी में देख ही सकते हो, गाड़ी में अभी कोई भी नहीं है, तो इसी का मतलब है कि ट्रिक हो चुकी है। और गाड़ी में घुसने के बाद आप तुरंत यहाँ पर पेड़ों पहाड़ और घरों के बीच में से निकलने का ट्राई मत करना, उनको ठोकने का ट्राई मत करना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ट्रिक को यूज़ करने के बाद, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा तभी आपकी ये ट्रिक हो पाएगी। और जब आप यहाँ पर ट्रिक को करोगे, पहले आप सभी हाउस से नहीं निकल पाओगे, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ही आप हर जगह निकल पाओगे। और आप हर चीज़ के बीच में से नहीं निकल सकते, कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ पर है जहाँ पर आप बीच में से नहीं निकल सकते। और कुछ देर के बाद यहाँ पे सभी के सभी हाउस जो है इनविजिबल हो जाते हैं, यहाँ पर आपको फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको प्लेन ग्राउंड दिखेगा। और जो हाउस आपको दिखेंगी भी वो आपको यहाँ पर ब्लर दिखेंगे, तो इसलिए मेरे फ्रेंड ने भी इस ट्रिक को यूज़ किया है, आप देख ही सकते हो। और फ्रंट के व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर दिखता है, क्योंकि खुद के व्यू से जो है वहाँ पर ब्लर सभी कुछ दिखता है। तो अभी आपको अच्छे से ट्रिक समझ में आ गई होगी, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Falling, you move the clouds to stop.